सभी को नमस्कार। फिर से हम लोग उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में बात करते हैं जो हम लोग ई लर्निंग पर हमने उसके बीच में छोड़ दिया था। अब हम बात करना चाह रहे हैं ई लर्निंग प्रोसेस की, यानी कि ई लर्निंग की प्रक्रिया क्या है। लर्निंग प्रोसेस तो हम लोग जान गए हैं, लर्निंग प्रोसेस हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन ई लर्निंग प्रोसेस क्या कुछ अलग है, कैसे डिफरेंट है। तो इसमें भी वही होगा, क्या होगा कि इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगी और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट क्या होगा कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्यूटर्स, डेवलपर्स एंड अदर स्टाफ मिलकर हमको इनपुट देंगे, यानी कि इतने लोग काम कर रहे हैं इस कोर्स को बनाने के लिए। और क्या लग रहा है इसमें, पेडागॉजिकल, डाइडेक्टिकल एंड एंड्रेगोजिकल पर्सपेक्टिव्स को हमको ध्यान देना है, मार्केट कंडीशंस को ध्यान देना है, फॉर्मल एंड ज्यूरिसडिक्शन फ्रेमवर्क भी उसमें लगेगा, आईसीटी का जो जो डेवलपमेंट हो गया है वो भी इसमें काम करेगा, एंड अ लार्जर सोशल एनवायरनमेंट भी इसमें काम करेगा। तब आउटपुट निकल कर आएगा क्या, या तो ग्रेजुएट्स मिलेंगे हमें, या स्टडी मटेरियल्स, या कोई ई लर्निंग कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मार्केट कंडीशन है आपका, मार्केट कंडीशन, फ्रेम, ज्यूरिसडिक्शन, आईसीटी डेवलपमेंट, लार्जर सोशल एनवायरनमेंट, क्यों सोशल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि जॉन डीवी हैड सेड, व्हाट ही हैड सेड, दैट स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। ओके, तो स्कूल वही रिफ्लेक्ट करता है, स्कूल का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आप ले सकते हैं, कि वही रिफ्लेक्ट करेगा जो सोसाइटी रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमारा कोर्स उसी तरीके का होना चाहिए, है ना। आईसीटी ने क्या क्या डेवलप कर दिया है, कितने मल्टी मॉडल आप उसमें फॉर्म्स डाल सकते हैं, कितना बढ़िया एनिमेशन कर सकते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जहाँ फ्री सॉफ्टवेयर्स है ना, जिसपे आप ये सब सारा मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन जो काम की बात हमारे जानने की है वो है पेडागॉजिकल एंड एंड्रेगोजिकल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, एंड्रेगोजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, व्हाट इज एंड्रेगोजी एंड व्हाट इज पेडागॉजी। पेडागॉजी तो सिंपल फॉर्म में कुछ नहीं, आप पेडागॉजी के बारे में जानते हैं तो इतना तो जान ही सकते हैं कि इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, बट टीचिंग हुम, किड्स, चिल्ड्रेन। ओके, तो उनके प्रिंसिपल अलग लगते हैं। और एंड्रेगोजी, यही तो बात हुई ना एंड्रेगोजी, इसीलिए तो आया, नोल्स का कंसेप्ट है कि चूंकि जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो उस तरह से नहीं सीखते हैं जैसे बच्चा सीखता है, उसके लर्निंग स्टाइल अलग है, उसका गोल ऑफ जो भी गोल है उसका वो अलग है, तो हमको उसको दूसरी तरीके से सिखाना चाहिए। तो एंड्रेगोजी पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे प्लीज सर्च करके आप ना रिवाइव कर लीजिए एंड्रेगोजी। तो वो सारे क्यों एंड्रेगोजी का हमको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, चिल्ड्रेन, किड्स नहीं कोई आपका कोर्स पढ़ने जा रहे हैं कोई, है ना। जितने भी कोर्सेज हैं वो मोस्टली एडल्ट्स पढ़ेंगे ना, या प्लस 18 प्लस पढ़ेंगे, तो हम उसमें एंड्रेगोजिकल प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना होगा। तो आप वहां से उसको रिवाइव कर लीजिए। मार्केट कंडीशंस और ये सारा, मतलब मार्केट कंडीशंस मतलब किस कोर्स की बहुत डिमांड है, जैसे आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेज बहुत चल रहे हैं, या साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, इस तरीके का, तो वो जैसे ही आप लॉन्च करेंगे मार्केट में तो फटाफट उसको हाथों हाथ वो ले लिया जाएगा, मतलब बहुत सारे आपको उसमें लर्नर्स मिल जाएंगे, देन आपको आउटपुट मिल जाएगा ग्रेजुएट्स एंड स्टडी मटेरियल्स के रूप में। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा और ई लर्निंग प्रोसेस को, कि हमको कंटेंट बनाना पड़ेगा ना, कोई आप ई कंटेंट बनाएंगे तो ई कंटेंट की डिजाइन के बहुत सारे मॉडल उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से एडी मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और आपने बहुत जगह एमए एमएड के कोर्स में भी होता है कंटेंट या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के नाम से मिलता है। एडी मॉडल क्या है और कब आया, यूएस आर्मी के लिए पहली बार ये मॉडल बनाया गया था, और अब तो बहुत एजुकेशन में भी यूज होता है। इसमें ये एक्रोनिम है, एडी, फर्स्ट ए फॉर एनालाइज, डी फॉर डिजाइन, नेक्स्ट डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंप्लीमेंट एंड ई फॉर इवेलुएशन। यानी कि सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, लर्नर, लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर्स स्पेसिफिकेशन, है ना, क्या हमारा कंटेंट है, हम बनाने क्या जा रहे हैं, टॉपिक क्या है, किसके लिए बना रहे हैं, हमारा जो एज ग्रुप है वो क्या है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन डिजाइन, हम एक उसकी रूपरेखा बनाएंगे, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, कहीं कुछ रह गया, कोई चीज छूट गई, कोई जरूरी चीज, असेसमेंट, सजेस्टेड रेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, फिर हम उसका एक इम्प्लीमेंटेशन कहीं करके देखेंगे, फर्स्ट ट्राई आउट, है ना, छोटी पॉपुलेशन पे, कि कैसा उसका रिस्पॉन्स है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई टेक्निकल गड़बड़ी तो नहीं है, और फिर उसका इवेल्युएशन कर लिया जाता है फाइनली, और जो कमी होती है उसको दूर करते हुए फाइनल आपका कंटेंट या ई कंटेंट बन जाता है। तो ये दिस इज एडी मॉडल एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन।
देन कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी. जब आप ई लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यानी कि आपने कुछ ई लर्निंग का जो कोर्स बना रहे हैं, ई कोर्स है, ई कंटेंट है, उसको आप कहीं डिलीवर भी करेंगे. तो कंटेंट डेवलपमेंट के लिए तो वही है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्लानिंग, इवेल्युएशन. लेकिन डिलीवरी के लिए हमको क्या क्या ध्यान देना है? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है आपको, मार्केटिंग देखनी है, मेंटेनेंस देखना है. ये तीन बिंदु हैं जिनको आप ध्यान में रख के कंटेंट की अपनी डिलीवरी करेंगे. फिर कंटेंट की डिलीवरी करेंगे कहाँ, कैसे करेंगे? घर घर जाकर देंगे? नहीं ना. क्या करते हैं? LMS पर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर हम अपना कोर्स लॉन्च करते हैं. कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको चूज करना होगा. जैसे कि अब तो हम सब लोग जान गए, हम सब लोगों ने कोविड के दौर में ये सब सीखा, नहीं तो हम पता नहीं और कितने साल लगाते ये सब सीखने में, कि गूगल क्लासरूम मोस्ट पॉपुलर LMS nowadays. देन मूडल भी बहुत अच्छा LMS है, कैनवस है, इसी तरह से स्कूलॉजी है, बहुत सारे और हैं. तो LMS होता क्या है? इट इज़ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब अ सिस्टम ऑन विच यू कैन मैनेज लर्निंग ऑफ योर लर्नर. क्या क्या कर सकते हैं आप LMS पे? कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रैकिंग होता है, ई लर्निंग है, मैनेजमेंट हो रहा है, एजुकेशन है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि कोर्सेज, ट्रैकिंग, मैनेजमेंट और सिस्टम. और चल क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, ई लर्निंग एंड एजुकेशन. तो LMS में आपको, पहले भी मैंने कहीं कभी बताया है कि ट्रैकिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, वेल ट्रैक्ड है ना. वेल ट्रैक्ड क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाता है, हम छुप नहीं सकते हैं अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, कि हम ये बोल दें कि नहीं हमने किया ये कोर्स, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज विजिबल, कि अब आपने कब लॉग इन किया कोर्स में, कितनी देर आप उस पोर्टल पे रहे, आपने कितना समय लगाया, दिन भर में कितनी बार आप गए, और आपने कोई फाइल डाउनलोड की कि नहीं की, आप उसको बस ऐसे सरसरी तौर पर देखते हुए असेसमेंट तक पहुंच गए, या क्या किया आपने. एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेबल, एवरीथिंग इज प्रिंटेबल, एंड वो आपको प्रिंट किया जा सकता है कि ये देखिए भाई आपने बिल्कुल इस कोर्स में काम नहीं किया है, तो आपको कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए. ओके, तो मूडल, कैनवस, ये सब. मूडल का फुल फॉर्म क्या है? मूडल भी एक एक्रोनिम है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए. कैनवस कोई एक्रोनिम नहीं है. देन डिसएडवांटेजेस, ई लर्निंग की जो वहां रह गई थी, देखिए बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत अच्छाइयां हैं लेकिन कमियां भी हैं. तो बस हमको करना क्या है, इन्हीं कमियों को अगर हम दूर कर दें तो ई लर्निंग से हम बहुत 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 फायदे उठा सकते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये कि सोशल आइसोलेशन है इसमें, जो सोशल फैक्टर है वो मिस करता है. पीयर लर्निंग नहीं हो पाती है, पीयर क्लास टाइम इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, क्लास डायनेमिक्स को मिस करते हैं हम. देन इट रिक्वायर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन. देखिए जब आप MOOCs पढ़ते हैं, जब MOOC पे आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो आपको बताता है कि वेरी पॉपुलर कोर्सेज, वेरी ट्रेंडी, वेरी कैची, वेरी हैंडी, बट हजारों लाखों की संख्या में लोग उसमें एनरोल होते हैं, लेकिन वो जो पास आउट होकर निकलते हैं, जिनको सर्टिफिकेशन मिलता है, दे आर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू. वाई? कि हम कोर्स में शुरू होते हैं बहुत उत्साह के संग, हाँ 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 हमको करना है, फिर हम पे बहुत काम की भीड़ आती है, और धीरे 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 करते करते कई रिमाइंडर पे रिमाइंडर आते हैं, और हम उसको नहीं करते, और अंत में हम उसको छोड़ देते हैं, और हमको कोर्स छोड़ना पड़ जाता है बीच में. क्यों? क्योंकि हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, वो मोटिवेशन जो हमको मोटिवेट करे कि हमको करना ही है. अगर हम इनरोल हुए हैं तो हम उसको खत्म करके ही निकलेंगे. इस तरीके का मोटिवेशन आपको ई लर्निंग, कितने वेबिनार, वेबपोजियम एंड कॉन्फ्रेंसेज इंटरनेशनल करती है, हम लोग बहुत 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 में रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद फिर लगता है कि उफ बहुत सारा हो गया, नहीं करते हैं, छोड़ो. लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए, करना चाहिए अगर आप इनरोल हुए हैं उसमें तो. देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन उसमें सिखाना मुश्किल है. क्यों? क्योंकि हम हर किसी को उसमें, हमको कहना पड़ता है कि आप अपना ऑडियो म्यूट करके रहिए, वीडियो भी मत खोलिए, जब जरूरत हो तभी खोलिए, बिकॉज बैंडविड्थ आपकी खर्च होगी तो आपका कनेक्शन पुअर हो जाएगा, और उसका फायदा ये होता है कि लोग उसको सुनते ही नहीं है, केवल ऑडियो वीडियो म्यूट है तो हमें पता ही नहीं है कि आप हैं, बस कि आप नहीं हैं, मतलब बस आप लॉग इन हैं, आप अपने डिवाइस के पास हैं कि नहीं, ये नहीं हो पाता है ना. तो हम कम्युनिकेशन कैसे सिखाएंगे? देन स्किल डेवलपमेंट में भी यही बात है कि जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है तो इसका मतलब कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर चल रहा है एकदम आप वैसे वैसे चलें, या आप उस गति से नहीं चल पा रहे हैं तो अगर वीडियो फॉर्म में आपको मिल गया है, रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में फॉर्म में, तो आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करें, तिबारा करें जब तक आप सीख ना जाएं. तो उस सब के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, एंड लैक ऑफ टाइम का बहाना देकर हम लोग ये काम नहीं करते हैं. देन असेसमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड वाया ई लर्निंग. It tends to focus on theory only. Practical subjects are difficult to taught via online mode. अब virtual labs की बात हो गई है, virtual labs बन गई है, उस पर काम किया जा रहा है, but still it is in primitive mode and not at advanced level and not available to all educational institutions. Okay? Then it lacks face-to-face interaction.
नॉट वर्क वेल फॉर ऑल डिसिप्लिन्स. मतलब थ्योरेटिकल डिसिप्लिन तो पढ़े पढ़ाए जा सकते हैं इजीली, पर प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स में दिक्कत है और ये बात हमें माननी होगी. एंड इनएक्सेसिबल फॉर कंप्यूटर इलिटरेट. जरूरी नहीं है हर बंदा जो लिटरेट हो वो कंप्यूटर लिटरेट भी हो, बल्कि बहुत हद तक मुश्किल है ये बात, है ना. तो इसलिए उन लोगों तक, उन विद्यार्थियों तक, उन शिक्षकों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई. एंड इट लैक्स इमोशनल कोशेंट. जब शुरुआत में ई लर्निंग की बात हो रही थी, ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही थी, तो सबसे जो बड़ा क्रिटिक इसका, एक वर्ग जो क्रिटिक इसका करता है, क्रिटिकल इवेल्युएशन करता है, वो यही कहता है कि इसमें इमोशनल कोशेंट नहीं है जो कि होना चाहिए. टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग नहीं बन पाती है ई लर्निंग में, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं जो ई लर्निंग को बताती है कि कहाँ कहाँ वो लैक करता है. देन कंक्लूजन, हम इसको कंक्लूड कैसे करें. हम इसको ऐसे ही कंक्लूड करेंगे कि ई लर्निंग इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, क्योंकि समय की मांग तो है ही. हम ये कहें कि नहीं हम कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे ना देंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा, हम इससे दूर नहीं रह सकते. और अब कोविड के दौर में तो यही एकमात्र साधन ही है आपसे जुड़ने का. वी कैन नॉट डिनाई इट एनी मोर. ओके, एक्सेप्टेड. देन इन इंडियन सर्कमस्टेंसेज ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल विल वर्क बेटर. ब्लेंडेड लर्निंग पे अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू ब्लेंड. क्या ब्लेंड करना है? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को हमको जुडिशियसली ब्लेंड करना है. सिर्फ इतना समझ सकते हैं आप ब्लेंडेड लर्निंग में कि कहाँ ऑनलाइन होना जरूरी है, कहाँ ऑफलाइन होना जरूरी है. तो जब हम टोटली ऑनलाइन अगर करके चलते हैं तो इंडियन कंडीशंस में मुश्किल है. वाई? बिकॉज अभी हम इलेक्ट्रिसिटी ही 24/7 की हम डेफिनेट नहीं है कि रहेगी. लाइट चली जाती है तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो फिर आप कैसे, वाईफाई भी कई जगह लाइट से कनेक्टेड रहता है, देन तो मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे, टोटली ऑनलाइन नहीं जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर चलेंगे. पर चलेंगे क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के फायदे हैं, हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते. देन अवर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट थ्राइव टू अपग्रेड देमसेल्व्स एंड ऑल देयर स्टेक होल्डर्स, स्पेशली अवर यूथ्स, टू बिकम इनोवेटर्स रादर देन फॉलोअर्स इन दिस डिजिटल वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज एजुकेशन 4.0 डिमांडिंग इनोवेशन, सो वी हैव टू थ्राइव फॉर इनोवेशन. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू. एंड In this way, I have completed two topics, e-learning and e-learning process. Okay? I hope it will be useful and fruitful to you all. Thank you.